हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पुण्यतः फ्री है, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। प्रोटीन्स भोजन का एक मुख्य आवश्यक तत्व है। प्रोटीन्स मानव शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक पोषक तत्व है। यही तत्व शरीर की कोशिकाओं अर्थात मांस आदि का निर्माण करता है। इसकी प्रचुर मात्रा भोजन में रहने से शरीर की कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत आदि का कार्य सुचारू रूप से जीवन भर चलता रहता है। हमारे शरीर के सभी प्रक्रियाओं को अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय पर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। शरीर हर समय प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते रहता है और हमेशा इसकी पूर्ति करना आवश्यक होता है। इसलिए स्वास्थ्य और निरोगी रहने के लिए रोज आहार में प्रोटीन्स लेना आवश्यक होता है। तो आइए आपको बताते हैं प्रोटीन्स के लिए क्या क्या खाना पीना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। सेम को फली भी कहा जाता है। इसका सेवन सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है। ये पेट साफ करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। सेम शरीर को ताकत देती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सेम एक कारगर औषधि है। सेम का रस पीने से डायबिटीज में ज्यादा फायदा मिलता है। शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मसूर की दाल भी फायदेमंद होती है। ये दाल खून को बढ़ाने वाली होती है। इसके अलावा मसूर की दाल कब्ज, प्रदर, दस्त और बहुमूत्र की समस्या को भी दूर करती है। दही प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन है। रोज दही के इस्तेमाल से शरीर ठीक और निरोग रहता है। दही से इंसान की उम्र बढ़ती है। दही से बनने वाले छाछ तो सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। प्रोटीन की हर कमी को पूरा करने में दही बेहद प्रभावशाली है। शरीर से कई तरह की बीमारियों को भी दही के सेवन से खत्म किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी भी जरूरी है। दही का सेवन रात में ना करें और ज्यादा खट्टी दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सोयाबीन, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। सोयाबीन को कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे दाल, आटा आदि। सोयाबीन से बनने वाले पदार्थ भी शरीर को प्रोटीन पहुंचाते हैं। ये बच्चों तथा बड़ों को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक बनाती है, जिसकी मुख्य वजह है सोयाबीन में प्रोटीन का उच्च स्तर पर होना। दूध में मौजूद प्रोटीन की तुलना किसी और पदार्थ से नहीं की जा सकती है। दूध में प्रोटीन के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूध एक पूर्ण आहार है जो कई बीमारियों को शरीर से बचाता है। दूध कमजोर शरीर को शक्ति देता है। पीनट बटर, एक दिन में 2 चम्मच पीनट बटर खाने से आपकी दिन भर की प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है। 2 चम्मच पीनट बटर में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इसे टोस्ट पर लगाकर खा सकते हैं, प्रोटीन शेक में मिलाकर भी ले सकते हैं। पीनट बटर को नाश्ते में जरूर लें। रिसर्च साबित कर चुकी है कि पीनट बटर अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। सोया मिल्क, जिन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, सोया मिल्क उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है। इसकी प्रति सर्विंग में 7 ग्राम प्रोटीन तक होता है। चूंकि शाकाहारियों को दिन में प्रोटीन की 2-3 सर्विंग लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए सोया मिल्क और सोया से बने दूसरे उत्पाद उनकी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। बादाम थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन मुट्ठी भर बादाम में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इसे भिगोकर सलाद, दूध या अन्य सब्जियों में अतिरिक्त फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स के लिए आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। हरी गोभी में प्रोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है। हरी गोभी का इस्तेमाल आप सब्जी के तौर पर व सलाद में भी कर सकते हैं। पालक, हम सब जानते हैं कि पालक एक सुपर फूड है, लेकिन हर किसी को इस बात का नहीं पता होता कि पालक में प्रोटीन भी भारी मात्रा में होता है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन का खजाना है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताए टॉप 10 हाई प्रोटीन्स फूड, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी को भरपूर प्रोटीन मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होंगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।